नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुजाता। सुजाता'स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाट, पीनट चाट खाने में स्वादिष्ट और हेल्दी, बहुत हेल्दी ये चाट, पीनट चाट की रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए हेल्दी चाट बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल पीनट लिया है, ये कच्चा पीनट है, ये कच्ची मूंगफली है। पीनट चाट को बॉईल करके, मूंगफली को बॉईल करके भी बनाया जाता है और रोस्ट करके भी बनाया जाता है। तो हम इसे रोस्ट करेंगे। अगर आपको बॉईल करके पसंद है तो आप इसे बॉईल भी कर सकते हैं कुकर में। गैस की फ्लेम ऑन करके मैंने बर्तन रख दिया है। मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है, आप कोई गहरा पैन भी ले सकते हैं। गैस की फ्लेम को हम बढ़ा लेते हैं। अभी देखिए मूंगफली का कलर चेंज हो गया है। हमने इसे इसी तरीके से बर्तन में रोस्ट कर लिया है। आप इसे बॉईल भी कर सकते हैं और आप इसे ऑयल डाल के भी फ्राई कर सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं आप। तो अभी हम गैस की फ्लेम को बंद कर लेते हैं और मूंगफली को ठंडा हो करने के लिए एक प्लेट में रख देते हैं। मूंगफली को हम देखिए, मूंगफली को हमने प्लेट में डाल दिया है। मूंगफली ठंडी होने तक हमने यहाँ पे सब्जियों को कट कर लिया है। हम यहाँ पे ले रहे हैं टमाटर। मैंने एक छोटे साइज का टमाटर बारीक काट लिया है, और मैंने यहाँ पे लिया है एक छोटे साइज का प्याज और एक छोटा खीरा जिन्हें, और मैंने यहाँ पे लिया है दो हरी मिर्च। सभी सब्जियों को मैंने बारीक से कट कर लिया है। अब हमारे पीनट भी ठंडे हो चुके हैं, तो अब हम पीनट चाट बना लेते हैं। पीनट चाट बनाने के लिए हम एक बर्तन ले लेते हैं और पीनट को इसमें ऐड कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे सारी वेजीज, हरी मिर्च, प्याज, कुकुम्बर, खीरा और टमाटर। आप इसमें अपनी पसंद के, आप इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं बॉईल करके। आप इसमें सेव भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऐड करेंगे नमक, एक चौथाई चम्मच नमक। पहले मैंने सादा नमक लिया था, अब मैं यहाँ पे काला नमक ले रही हूँ। आप सिर्फ काला नमक भी ले सकते हैं। एक चौथाई चम्मच ही मैं यहाँ पे काला नमक ले रही हूँ। एक चौथाई चम्मच अब मैं लूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, इसे भी हम मिला लेते हैं। और अब मैं ऐड करूँगी आधा चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप हल्का सा अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अगर अमचूर पाउडर भी नहीं है तो आप इसमें, तो मैंने दो नींबू के रस लिए हैं, उन्हें मैंने निचोड़ लिया है। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। सभी सामग्री को हम मिक्स कर लेते हैं। चाट हमारा बन गया है, चटाकेदार हमारा चाट बना है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो आप जरूर ट्राई करिए। तो अब हम चाट को सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, खाने के लिए हमारा चाट बिल्कुल तैयार है।
ये देखिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको पीनट चाट की ये रेसिपी कैसी लगी। और आप इस रेसिपी को मॉर्निंग में नाश्ते में बना सकते हैं, शाम की हल्की फुल्की जब छोटी सी भूख होती है तब आप इसे बना सकते हैं, आपको ये बेहद पसंद आएगा। जब आपका चटपटा चटाकेदार कुछ खाने का मन करे तो आप झटपट इसे बना सकते हैं। घर में ये सभी को बेहद पसंद आएगा पीनट चाट, ये खाने में भी अच्छा होता है और हेल्दी भी है बहुत। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको पीनट चाट की रेसिपी लगी अच्छी तो आप जरूर ट्राई करिए और रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे न्यू रेसिपी के साथ, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।